भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के स्लाटर हाउस मोहल्ले में बम विस्फोट, एक घायल। भागलपुर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां नाथनगर थाना क्षेत्र के स्लाटर हाउस इलाके में एक सोजिना के पेड़ पर रखी घातक बम अचानक विस्फोट कर गया, जिससे गुजर रहे एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गए। घटना बाबत बताया जा रहा है कि नाथनगर थाना क्षेत्र के स्लाटर हाउस मोहल्ले स्थित एक सोजिना के पेड़ पर घातक बम विस्फोट होने से जहां पूरा इलाका थर्रा उठा, मुर्गियाचक निवासी मोहम्मद इकराम बुरी तरह से घायल हो गया। घायल इकराम उस वक्त रास्ते से गुजर रहा था, गुजरते समय ही अचानक बम विस्फोट हो गया। बम इतना जोरदार धमाका किया कि पूरे इलाके में दहशत पैदा हो गई। घटना की सूचना मिलते ही नाथनगर थाना पुलिस सहित सिटी एएसपी पूरण झा घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए। ये स्लाटर हाउस का बीच वाला रास्ता है और इस रास्ते में सामने से अभी नाला बन रहा है, जो मेन रास्ता है वो नाला बन रहा है। इस रास्ते से लोगों का भी आना जाना हो रहा है। ये जिसका घर है, ये अजय मेहतर इस घर में रहते हैं और सजना के गाछ के बीच में खोल जैसा था, जिसमें कि रखा हुआ बम अचानक फट गया और उसके कारण बड़ी तेज़ी से गाछ भी गिरा और कई लोग छींटा बहुत दूर तक फैला, जिससे कि एक आदमी मिर्गियास चक्का निवासी मोहम्मद इकराम, जिसका उम्र लगभग 35-37 साल है, वो बुरी तरीके से जख्मी हो गया। उसके बाएं तरफ पूरा आँख के बगल में पूरा कट गया और वो बारूद वगैरह छिटक करके पड़ा, जिससे कि काफ़ी खून बहने लगा। खून आप देख रहे हैं कि यह स्थिति अब तक की है। आपका कुछ इतिहास रहा है? इसके पहले तो अजय कई बार जेल वगैरह जा चुका है, लेकिन अब कुछ दिनों से इनकी गतिविधि बोरिंग के संचालक के रूप में थी। कुछ दिनों से ये बोरिंग के संचालक के रूप में काम कर रहे थे सामाजिक स्तर से, लेकिन अभी की जो हालात देख रहे हैं, इससे कुछ लगता है। मेरा नाम डॉक्टर अनवारुल हुआ, अल्पसंख्यक कल्याण विकास परिषद के प्रधान सचिव। उसके बारे में जानकारी मिली थी कि एक पेड़ में छुपा करके बम रखा हुआ था जो अभी एक्सप्लोड हुआ है, उसी के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि क्या था। तो क्या क्या बस रही है यहाँ? अजय हरी के घर पे एक बम रखा हुआ था पेड़ में, जिसके फटने से एक आदमी इंजर्ड हुआ था। इसके घर पे हमें एक खाली गोली, कुछ एल्यूमिनियम वायर और अन्य चीज़ों की भी तलाशी जारी है। सर, अजय हरी आपराधिक इतिहास के बारे में हम आपको बता करके बता पाएंगे। धन्यवाद।